बात की है अपने पापा से? किस बारे में? हनीमून के बारे में। देखो मैं अगले हफ्ते 3 महीनों के लिए पगफेरों के लिए चली जाऊंगी, फिर 3 महीने बाद आऊंगी और उसके बाद भी कुछ होगा नहीं, सोच लो। नहीं नहीं नहीं, अभी बात करेंगे यार, लेकिन पापा के सामने हनीमून की बात करूं कैसे? वो सब मुझे नहीं पता, मेरे हाथों की मेहंदी हट जाएगी तब जाएंगे क्या हनीमून पे। चलो ना प्लीज, चलो ना, चलो ना, तुम बात करो, मैं रेडी होके आ रही हूँ फटाफट। अरे साथ में चलना। अरे मैं बाल बांध के आऊंगी, चलो चलो चलो। अरे यार मैं क्या बोलूंगा यार पापा। बात तो करो, मैं आ रही हूँ। पापा जी। हाँ? कुछ बात करनी थी आप लोगों से। हाँ बोल। शेफाली का मन था कि... बहू क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी, वो बिल्ली आ गई थी। मैं कह रहा था कि मैं और शेफाली, हमारा मन था कि हम कहीं बाहर हो आए। हाँ तो दिखा ला ना, ये चौक पे कुंज बिहारी वाले मंदिर है, वो दिखा ला बहू को। मम्मी मंदिर नहीं जाना है हमें। तो ले जाके चाट पापड़ी खिला दे फिर। पापा बाहर जाने का मतलब बाहर जाना होता है ना, चाट पापड़ी। अरे और कितना बाहर जाएगा, अब तूने इतनी पढ़ाई थोड़ी की है कि तू अमेरिका चला जाए। अगले हफ्ते शेफाली पगफेरों के लिए जा रही है। तो मुझे और शेफाली को बाहर जाना है। कहाँ? पहाड़ों में। पहाड़ों में क्यों? हनीमून मनाने। अरे शर्म कहाँ गई तेरी, 4 दिन हुए नहीं शादी को, सारे संस्कार भूल गया, बताओ हनीमून बोल दिया। मोहित ये क्या बोल रहा है तू? हनीमून पे जाने के लिए तो बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ नहीं होता ये काम। और रिश्तेदार, उनका मुंह कौन बंद करवाएगा? अरे रिश्तेदार कहाँ से आ गए बीच में अब? क्यों, अगर रिश्तेदार घर आएंगे और पूछेंगे कि बहू कहाँ है तो क्या बोलेंगे, हनीमून पर गई है? अरे अपना नहीं तो अपने बाप की इज्जत का ही ख्याल कर लेता। अरे हनीमून पे जाने से हमारी इज्जत कैसे छिन जाएगी? अरे इज्जत का ख्याल था तभी तो आज तक तेरे पापा और मैं नहीं गए हनीमून पर। हाँ मैं तो ऐसे ही पैदा हो गया ना। मोहित आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अगर तुझे कुछ दिन के लिए घर खाली चाहिए तो हम दोनों गाँव चले जाते हैं। अरे पापा कैसे समझाऊं? पापा जी मम्मी जी चाय। वो आपसे कुछ बात करनी थी। अब तुम ही समझाओ इन्हें। अरे समझाना क्या है इसमें। पापा जी वो ना भैया का कॉल आया था तो वो कह रहे थे कि दर्शन कराओ। किसके दर्शन? किसके दर्शन? बाबा के, केदार बाबा। बताओ एक ये बहू है जो दर्शन की बात कर रही है और एक ये है। अरे लेकिन मम्मी पापा इसने ही तो बोला था। अरे पापा जी मैंने ही कहा था इनसे आपसे पूछने के लिए, आपका आशीर्वाद ले लेंगे तो यात्रा सफल हो जाएगी। जाओ तुम लोग, टिकट मैं करवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं पापा जी, टिकट ये करवा लेंगे, कुछ काम ये भी तो करे। आप बस आशीर्वाद दीजिए कि दर्शन अच्छे से हो जाए। देखो कितनी संस्कारी बहू मिली है। जाओ बेटा तुम लोग कल सुबह ही निकल जाओ, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। जी पापा जी। अरे क्या बोल रही हो तुम, आशीर्वाद ले लेते हैं। आइए आइए, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। कितनी गुणवान बहू मिली, मुंह पे झूठ बोल के चली गई। इसे नहीं पता कि 30 साल पहले मैंने भी ऐसे ही झूठ बोला था। तो क्या कहती है फिर से चले यात्रा पे? हाँ बिना सब्जी बनानी है मुझे। मुझे भी एक बार।